दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित प्रसिद्ध दरगाह हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली के आस्थाने पर सालाना उर्स पाक कार्यक्रम मई 2022 के वृहद आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते उर्स पाक कमेटी ने अपनी तैयारियां जोरों पर रखी। हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह पुराना बस स्टैंड दुर्ग छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध दरगाह शरीफ में सालाना उर्स पाक एकता उत्सव मई 2022 के वृहद आयोजन के लिए प्रकाश देश लहरा अध्यक्ष सालाना उर्स पाक कमेटी की अध्यक्षता में उर्स पाक कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा ने बताया कि कोरोना काल के चलते विगत 2 वर्षों से उर्स पाक का आयोजन नहीं हो पाया था। एकता रूपी इस भव्य व अंचल में प्रसिद्ध उर्स पाक का 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन मई 2022 में किया जाना है। इसी कड़ी में जनरल सेक्रेटरी सालाना उर्स पाक कमेटी के रऊफ कुरैशी ने जानकारी दी कि 25 मई 2022 को शाही संदल निकाला जाएगा व 26, 27, 28 मई 2022 को कव्वाली का जंगी मुकाबला होगा, जिसमें हिंदुस्तान के ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कव्वालों को आमंत्रित किया जा रहा है। जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, वही कार्यक्रम का आगाज 29 मई को सुबह 7 बजे कुल की फातिहा से किया जाएगा। अध्यक्ष की अनुमति से संदल चादर निर्णायक मंडल प्रचार प्रसार कार्यालयीन प्रभार लंगर इत्यादि की जिम्मेदारियां कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों को सौंपी गई है। इसमें मुख्य रूप से यूनुस पटेल, हाजी साजिद अली, हाजी इस्माइल बेगशाद, सैयद रज्जब अली, लक्ष्मण सिन्हा, अबरार पुवार, रजा खोकर, अमजद अली, अनीस हाशमी सहित बड़ी संख्या में कमेटी के लोग शामिल हैं। कार्यक्रम को लेकर अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा ने न्यूज टीम को जानकारी दी। आयोजन तो जो अपना जितने इतने सालों से जो उर्स होते आ रहे हैं, जिस हिसाब से आयोजन होता था वैसे आयोजन होगा। अभी हमारी 2 मीटिंग हो चुकी है और 6 कव्वाल हमारे तय हो चुके हैं अभी तक पूरे। मतलब 25 को हमारा जो संदल निकलता है, संदल निकलेगा 26, 27, 28, 3 दिन कव्वाली होगी मई के महीने में। मई का जो लास्ट वीक है उसमें 25, 26, 27, 28 को हमारा प्रोग्राम है। और चूँकि 2 साल का अंतराल हो गया, इसलिए जो कमेटी के पदाधिकारी हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। और कमेटी के अलावा मैं अभी 15 दिनों में देख रहा हूँ, कम से कम 30-40 जगह से मेरे फ़ोन आ चुके हैं जो ये पूछते हैं भैया का डेट कब आई आपकी, उसके डेट की उर्स की जो प्रोग्राम का डेट कब है। मतलब खाली हमारे कमेटी के पदाधिकारी नहीं, विदिन छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले और गांव हैं जहाँ से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि दुर्ग की कव्वाली, दुर्ग का प्रोग्राम कब हो रहा है। बाबा का जो दरगाह है उसमें मैंने एक चीज़ देखा है कि पूरे छत्तीसगढ़ विदिन से ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश से लोग आते हैं और लोगों की इतनी ज़्यादा आस्था है। जैसे छिंदवाड़ा से वहाँ, पिपरिया से, छिंदवाड़ा से वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं वो हर साल अपने साथ करीबन 50-60 लोगों को लेकर आते हैं और 3 दिन तक यहाँ रुकते हैं और पूरा पैदल संदल निकालते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने देखा जो भी आदमी जाके अपनी मन्नत मानता है, जिस तरीके से मानता है, वो आदमी दोबारा ज़रूर आता है कि मेरी मन्नत पूरी हो गई करके। दूसरी बात, हम लोग उर्स पाक का जो उत्सव मनाते हैं उसको कौमी एकता के रूप में मनाते हैं और हमने इसलिए उसका नाम भी दिया है एकता उत्सव। और चूंकि यह दादा बाबा का जो मजार है उसमें सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले के भी और साथ में लोकल भी सारे कौम के लोग उसमें पदाधिकारी हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ये सारे लोग उसमें पदाधिकारी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है मैं जैन हूँ, जैन हिंदू में आता है और 98 से मैं लगातार उर्स पाक कमेटी का अध्यक्ष हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।